हर्षोल्लास का पर्व दिवाली, उत्तर भारत में राम की विजय गाथा, दक्षिण भारत में इसे थलाई दिवाली कहते हैं। हर्षोल्लास का पर्व दिवाली बस चंद दिनों की दूरी पर है। कार्तिक मास की अमावस्या को मनाए जाने वाला यह महापर्व अंधेरी रात को असंख्य दीपों की रोशनी से भर देता है। वैसे तो पूरे देश में दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान राम रावण को मारकर और 14 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या नगरी वापस लौटे थे। उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए और तब से दिवाली मनाई जाती है। हम में से अधिकांश लोग दिवाली मनाने के पीछे यही कहानी सुनते आए हैं और यही कारण है कि हम सोचते हैं कि पूरे भारत में दिवाली इसी वजह से मनाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि देश के विभिन्न धर्मों व विभिन्न स्थानों पर दिवाली मनाने के पीछे अलग अलग मान्यताएं और अलग अलग तौर तरीके हैं। उत्तर भारत में दिवाली का त्यौहार भगवान राम की विजय गाथा और श्री कृष्ण द्वारा शुरू की गई नई परंपरा व उत्सव से जुड़ा है। यहाँ पर दिवाली का पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें पहला दिन धन के देवता कुबेर और भगवान धन्वंतरी से जुड़ा है, जिसे धनतेरस कहते हैं। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली का होता है। इस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। तीसरा दिन माता सीता और श्री राम के अयोध्या वापस आने से जुड़ा है, इसे बड़ी दिवाली कहते हैं। बड़ी दिवाली के दिन सभी लोग नए कपड़े पहनकर अपने अपने घरों में शाम के समय गणेश और लक्ष्मी का पूजन करते हैं, फिर दीप जलाने के बाद पटाखे जलाते हैं। चौथा दिन गोवर्धन पूजा यानी श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा है, तो वहीं पाँचवा दिन भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। असल में उत्तर भारत में इस त्यौहार की शुरुआत दशहरे के साथ ही हो जाती है। उत्तर भारत की दिवाली के बाद अब जान लेते हैं दक्षिण भारत की दिवाली के बारे में। दक्षिण भारत में दिवाली का पर्व केवल 2 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें पहले दिन मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी का विशेष महत्व है। नरक चतुर्दशी के दिन यहाँ के लोग पारंपरिक तरीके से स्नान यानी तेल से स्नान करते हैं। तेल से स्नान इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस को मारने के बाद तेल से स्नान किया था। वहीं दूसरे दिन दीप जलाकर रंगोली बनाकर दिवाली मनाई जाती है। यहाँ पर लक्ष्मी और नारायण दोनों की पूजा होती है। दक्षिण भारत में दिवाली वाले दिन एक अनोखी परंपरा मनाई जाती है, जिसे थलाई दिवाली कहते हैं। थलाई दिवाली के अनुसार नवविवाहित जोड़े लड़की के घर जाते हैं और वहां उनका भव्य स्वागत किया जाता है और घर के सभी बड़े बुजुर्ग उन्हें आशीर्वाद और उपहार देते हैं। फिर वह जोड़ा दिवाली के शगुन के लिए पटाखे जलाता है और सभी लोग मिलकर मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। पूर्वी भारत विशेषकर पश्चिम बंगाल में दिवाली पर गणेश और लक्ष्मी की नहीं बल्कि देवी काली की पूजा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ के लोग दिवाली पर घरों व मंदिरों में माँ काली की पूजा अर्चना करते हैं और प्रसाद के रूप में मिठाई, दाल, चावल और मछली चढ़ाते हैं। ओडिशा में दिवाली के अवसर पर लोग कोरिया काठी करते हैं। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें लोग अपने मृत पूर्वजों की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। मध्य भारत के अंतर्गत आदिवासी इलाकों में भी दीपावली के त्यौहार को लेकर काफ़ी उत्साह रहता है। इस दिन स्त्री पुरुष सभी नृत्य करते हैं और एक दूसरे के बीच दीपदान की भी परंपरा को निभाते हैं। मध्य भारत में रंगोली की बजाय मांडना बनाने की परंपरा है। यहाँ दियों और मोर के पंखों से घर को सजाया जाता है। भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टि से बहुत महत्व है। असत्य पर सत्य की विजय का यह त्योहार हम सबको अंधेरे से उजाले की ओर जाने की प्रेरणा देता है।